रक्त संबंध पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ा था, आज कोडेड फॉर्म पढ़ेंगे। कोडेड फॉर्म का मतलब क्या है कि वो कोड दे के रखा होगा बच्चों, और उसी कोड के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे चार कोड उसने दिया है और इस पे आधारित किस तरह से प्रश्न आते हैं वो मैंने लिखा है, ठीक है। रक्त संबंध का कोडेड फॉर्म, दूसरा फॉर्म पजल फॉर्म हमने पढ़ा था, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हर मेल के लिए क्या लगाओगे, त्रिभुज बना दोगे, फीमेल के लिए क्या कर दोगे, तो स्फीयर बना दोगे, ठीक। उसके बाद जब पजल फॉर्म पढ़ने के बाद कोडेड फॉर्म में आओगे तो कोडेड फॉर्म में क्या रहेगा कि हर दो के बीच में कोड बनाएगा, और जो दो के बीच में कोड बनाएगा उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे ये चार के हिसाब से कोड बनाया, मतलब दो दो के बीच में चार कोडिंग किया, इसको कहते हैं कोडिंग। इसका मतलब क्या है ये समझाएगा, ठीक है। जैसे पी क्यू का यहाँ पर क्या संबंध है, पी क्यू का यहाँ क्या संबंध है, ठीक है। तो पी डॉलर क्यू मतलब क्या है कि पी क्यू की माता है, पी एच क्यू मतलब पी क्यू का क्या है, पिता है, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू का पति है, पी परसेंटेज क्यू का मतलब पी क्यू की पुत्री है। चार कोड दिया और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तीन नहीं पूछेगा बच्चों, कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। बैंकिंग में पांच क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो ये कैसे देगा, तो मान लो क्वेश्चन पूछा पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैज टी, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। तो ये चार कोड दे करके कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन, चाहे सेकंड क्वेश्चन, और चाहे ये थर्ड क्वेश्चन। एक और टाइप से क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसे चार ऑप्शन दिया होगा, कहेगा बताओ ए बी की बहन किसमें लगती है, इस चार ऑप्शन में कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें ए बी की बहन लगती है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, पहले पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ये चार कोडिंग दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर टू, और ये क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें थ्री क्वेश्चन है और ये चार जो बेसिकली आपका दिया है ये कोडिंग दिया है। एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएगा तो ये चारों कोडिंग एज इट इज ऐसे दी होगी, वो कोडिंग कुछ भी यूज कर सकता है, वो प्लस माइनस यूज कर सकता है, वो एट द रेट हैज भी यूज कर सकता है, वो कुछ भी यूज कर सकता है, उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। बस ये समझना है कि ये कोडिंग दिया रहेगा और कोडिंग के बाद यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा होगा और उस पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इतनी बात को समझ गए ऐसे। या फिर क्या करेगा कि चार कोडिंग में रखा होगा, कहेगा कि किसमें कौन बहन लगती है, पिता लगता है, माँ लगती है, और चार ऑप्शन दिया होगा और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या है कि किस प्रकार संबंधित है, तो मान लो बहन लगती है, तो चार ऑप्शन बहन, दादा, चाचा, मामा, चार ऑप्शन दिया रहेगा, किसी एक ऑप्शन का आपको टिक मारना है। तो कोडिंग दिया रहेगा, कोई एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा, पहला, दूसरा या तीसरा टाइप में, ठीक है। अच्छा, इस जो टाइप में क्वेश्चन पूछेगा इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको करना क्या है, तो सबसे पहले एट द रेट क्यू पी क्यू की माता है, पी एच क्यू पी क्यू का पिता है, पी डॉलर क्यू पी क्यू का पति है, पी परसेंटेज क्यू यानी पी क्यू की पुत्री है। ये चार कोडिंग दिया है और तीन क्वेश्चन बनाया है। सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे चलो, तो करना कैसे है ध्यान से देखो। ये कहेगा देखो P एट द रेट Q, तो एट द रेट काम हो, देखो P एट द रेट Q, तो P एट द रेट Q का मतलब क्या है कि P Q का पति है, यानी जो पहला वाला आएगा वो क्या हो जाएगा, पति। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पति, और अगर पहला वाला पति हो जाएगा तो इसमें पति कौन है, P, और पत्नी कौन है, Q। एट द रेट दिया है, एट द रेट दोनों, एट द रेट यहाँ मिला। उसके बाद ये देखो कि कौन पति है, कौन क्या रिश्ता है, किसका किसका, तो ये बताया है। एट द रेट का मतलब क्या है कि पहला पति है और दूसरा उसकी पत्नी है, तो एट द रेट का मतलब यहाँ भी क्या होगा कि पहला पति होगा और दूसरा उसकी क्या होगी, पत्नी है। तो पति पत्नी के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पति के लिए हमने बना दिया त्रिभुज और पत्नी के लिए क्या बना दिया, गोला, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया, पी एट द रेट क्यू। इतने समझने के बाद आगे वाला स्टेटमेंट देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि क्यू हैज क्यू डॉलर एम, तो क्यू डॉलर एम, डॉलर खोजो, डॉलर यहाँ है। इसमें कह रहा है कि पी डॉलर क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, यानी पहले वाली माता बनती है। तो इसमें भी क्यू क्या बनेगी, माता, और किसकी माता बनेगी, एम की। जैसे इसमें कह रहा है वैसे हमको इसमें खोजना है पी क्यू एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू, पहले वाला पति बन गया, पति बन गया, यहां भी हमने इसको पहला पति बना दिया, दूसरा तो पत्नी हो गया, तो
फिर रिश्ता देखो, अब इतने को भूल जाओ, इतने को भूल जाओ, अब इतने को देखो ध्यान से, तो क्यू क्यू डॉलर एम, तो क्यू डॉलर एम बच्चों, तो डॉलर कहाँ है यहाँ पर, तो डॉलर का मतलब क्या है, माता है पहला, तो यहाँ भी क्यू क्या हो गई, माता, और किसकी माता, एम की, तो एम की माता क्यू, ठीक। अब ये समझ गए, अब हमको क्या करना है कि अब डॉलर ये चिन्ह तक हो गया, अब हमको एम और टी में देखना है, तो एम हैज टी, और एम हैज टी का मतलब क्या है, तो हैज का मतलब क्या है कि पी क्यू का पिता है, तो यानी पहला वाला पिता बन जाता है, तो एम पिता बनेगा, और किसका पिता बनेगा, टी का, तो एम पिता हो गया किसका, टी का, ठीक। पहले का डाटा कैसे बनाया, देखो पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू मतलब पहला पति दूसरा पत्नी, तो यहां भी पहला पति दूसरा पत्नी, उसके बाद किसमें किसमें, क्यू और एम, क्यू और एम में क्या लगा रखा बच्चे, डॉलर, और डॉलर का मतलब पहला माता बनता है, तो यहाँ क्यू क्या होगा, पहली जो है वो माता हो गई, तो दूसरा एम नीचे हो गया, ठीक है। अब एम हैज टी, तो हैज का मतलब क्या होता है, पहला पिता बन जाएगा, तो एम पिता हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, टी, ठीक। अब कह रहा है पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी टी का कौन लगता है, तो देखो पी क्या लगता है, तो टी का, अगर पी का बेटा कौन है, एम, और बेटे का बेटा क्या और होता है, पोता, तो ये पी क्या लगता है टी का, दादा, तो पहले का आंसर क्या हो गया, दादा, ठीक, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले का आंसर क्या हो गया, दादा हो गया, देख लो। अब दूसरा का आंसर कैसे देखोगे, तो ये कह रहा है एफ एट द रेट डी, तो देखो एट द रेट कहाँ है, एट द रेट यहाँ है, एट द रेट का मतलब पहला क्या होता है, पति, तो यहाँ एफ पहला है वो क्या हो गया, पति हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, पत्नी, ठीक, पति पत्नी। अब डी परसेंटेज क्यू, डी परसेंटेज के, और डी परसेंटेज के, तो परसेंटेज में पहला वाला क्या बनता है, पुत्री, पी क्यू की पुत्री, तो पहला पुत्री बनता है, तो डी क्या बनेगी, पुत्री, और किसकी पुत्री, के की, तो के ऊपर आ गया, डी पुत्री हो गई, ठीक। उसके बाद देखो कह रहा है के हैज एच, और के हैज एच का मतलब हैज का मतलब क्या होता है, पहला वाला क्या बनता है, पिता, तो के क्या बनेगा, पिता, किसका, एच का, तो के पिता, और किसका पिता, एच का, के डी का भी पिता है और एच का भी पिता है, इसका मतलब एच और डी क्या होंगे, भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एफ का एच से क्या रिश्ता है, तो देखो एफ एच का क्या लगता है, तो ये हो गए भाई बहन या बहन बहन, ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो भाई बहन, तो बहन का पति, तो बहन का पति क्या लगता है, जीजा, लेकिन आप ऐसे देखो एफ किस प्रकार संबंधित है, तो एफ एच का क्या लगता है, जीजा लगता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, जीजा, ठीक। तो हमने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में क्या बता रहा है कि एफ एच का क्या लगता है, तो एफ एच का क्या लगता है, जीजा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, जीजा। ये दो क्वेश्चन तो हमने कोडेड के फॉर्म में समझा, कैसे करना बच्चे, जो यहाँ पर दिया है कोड वही कोड यहाँ पर देखो, और देखो पहला क्या लगता है, और उसी हिसाब से इसका फिगर बनाते जाओ, जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते जाना है, जैसे पी क्यूब में कर लिया, तो अब क्यू एम में करेंगे, अब एम, अच्छा मान लो ये ऐसा दे रखा होता, मान लो पी प्लस क्यू माइनस एम माइनस टी डिवाइडेड आर, तो यहाँ पे हमको बॉडमास नहीं लगाना है, अब ये मत समझने लगना पहले भाग कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, इन दो के बीच में रिश्ता लगाया, अब उसके बाद इन दो के बीच में रिश्ता लगाएंगे, फिर इन दो के बीच में रिश्ता लगाएंगे, और इन दो के बीच में, यहाँ तो सर प्लस माइनस नहीं दे रखा, तो बच्चे अगर ये प्लस माइनस यूज किया है तो वो प्रश्न में भी कोड में प्लस माइनस यूज करेगा, ठीक है, उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 99% बच्चों से क्वेश्चन नहीं होता, होता भी है तो बहुत देर लगता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सेकेंड्स में हल करना सिखाता हूँ कि आप सेकेंड्स में कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसमें ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन, तो देखो ए परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब पहला वाला क्या होता है, पुत्री, इसका मतलब ये क्या है, स्त्री, तो बहन ही स्त्री, मतलब इस जो बहन होगी वो स्त्री तो होगी, इसका मतलब पुत्री ये कह रहा है, तो पुत्री है तो किसी ना किसी की तो बहन होगी, कोई बात नहीं, तो ये है स्त्री, ठीक। इसमें देखो डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है कि पहली क्या होती है, माता, तो हो सकता है तुम्हारा आंसर ये भी सही हो जाए कि पहली वाली क्या होती है, माता, ठीक।
दूसरा देखो तो ये कह रहा है ए एट द रेट डी, तो ए एट द रेट डी का मतलब पहला वाला क्या होता है पति, तो अगर ये पति होता है तो बहन कैसे हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता कैसे। फिर से देखो देखो ए परसेंटेज डी, तो ए परसेंटेज डी, तो परसेंटेज में पहला वाला क्या होता है पुत्री, तो पुत्री तो औरत होगी, बहन भी औरत होगी, तो ये हो सकता है उत्तर हो। दूसरा देखो ये कह रहा है ए डॉलर डी, तो ए डॉलर डी मतलब क्या है एक डॉलर, देखो तो डॉलर में पहले वाली क्या होती माता, हो सकता है उत्तर हो क्योंकि ये भी स्त्री है, ठीक है माता है मतलब स्त्री है ठीक। उसके बाद देखो अब इसको देखो यहाँ पे एट द रेट, और एट द रेट का मतलब क्या है पति, तो इसमें ए पति होगा, अगर ये पति होगा तो किसी की बहन कैसे बन सकता है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन गलत हो गए, इलिमिनेट हो गए। अब कोई एक ऑप्शन चेक कर लो, जो तुम्हारी मर्जी वो चेक कर लो, कोई एक ऑप्शन चेक कर लो जो सही आ रहा, अगर पहला गलत हो गया तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। तो चलो हम बी चेक कर लेते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ऐसे दिया रहेगा पहले वाले में आप ये कोड देखो और यहाँ कोड का मैचिंग करो, अगर पहला शब्द देखो पति है तो पति किसी की बहन कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो गया। दूसरे में भी पति आ रहा है तो ये बहन नहीं हो सकता, ये दोनों बहन नहीं हो सकता, बहन या तो पहला ऑप्शन होगा या तो दूसरा ऑप्शन होगा, कोई एक ऑप्शन चेक कर लो। अब प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं चेक करना, नहीं हम तो सब दोनों चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा सही है, नहीं कोई एक चेक कर लो, अगर वो गलत आ रहा है तो दूसरा तुरंत सही कर देना, अगर वो सही आ रहा है तो वही सही कर देना है। तो ये चार ऑप्शन आपको चेक करना पड़ता, आप किसी भी टीचर से कोचिंग करोगे तो देखोगे कि ये चारों ऑप्शन वहां पे चेक करके वो पढ़ाते हैं, लेकिन चार ऑप्शन चेक करने को जाओगे, अगर एक ऑप्शन आपकी बहुत अच्छी स्पीड है तो 10 सेकंड अपना गंवाते हो, और 10 सेकंड अगर गंवाते हो तो चार ऑप्शन के पीछे आप 40 सेकंड गंवाओगे, और 40 सेकंड गंवाने का मतलब है कि आप रीजनिंग के चार क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ठीक। तो हमें क्या करना है, इलिमिनेशन मेथड, वो कैसे लगेगा सर, हमें यहाँ पर साइन देखना है, यहाँ का साइन देखो यहाँ का साइन देखो, एट द रेट का मतलब पति, और पति बहन कभी नहीं हो सकता, यानी ये गलत हो गया, यहाँ भी पति बहन नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। अब एट द रेट यहाँ पे डॉलर, और डॉलर का मतलब क्या बच्चे, कि यहाँ पर माता है, माता स्त्री होती है, इसका मतलब ये हो सकता है सही है। परसेंटेज का मतलब क्या है पुत्री, पुत्री भी बहन हो सकती है किसी की, तो इसका मतलब ये भी औरत है, ये भी सही है, तो ए औरत आना चाहिए, जिसमें एक पुरुष आ जाएगा वो बहन नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसमें दो ऑप्शन बचा है, एक ऑप्शन चेक करेंगे हम, और अगर वो ऑप्शन सही तो उसको सही कर देंगे, और वो गलत तो दूसरा बिना चेक किए सही कर देंगे ठीक है। तो बी चेक कर लेते हैं, तो ए डॉलर डी, ए डॉलर डी का मतलब पहला वाला माता होता है, तो ए माता हो गई, और ए माता किसकी हो गई डी की। उसके बाद डी एट द रेट सी, तो डी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब पहला वाला क्या हो जाता है पति, तो डी पति है, किसका पति है सी का, और डी अगर पति हो जाएगा तो सी पत्नी होगी, तो प्लस लगा दिया ठीक। अब सी डॉलर बी, सी डॉलर बी का मतलब क्या होता है, तो डॉलर का मतलब पहले वाली माता होती है, तो सी माता हो गई, और किसकी माता हो गई बी की। दूसरा क्या कह रहा है कि बी एट द रेट बी डॉलर ई, तो डॉलर का मतलब क्या होता है पहले वाली माता, यानी बी माता हो गई, और किसकी माता हो गई ई की, तो ई नीचे आ गई। अब कह रहा है कि किसमें ए बी की बहन है, तो क्या ए बी की बहन है क्या, नहीं, इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो हमें पहला चेक करने की जरूरत नहीं, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट ठीक। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो भी ऑप्शन दिया है बच्चे, वहां पे हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जो भी साइन दे रखा है उस साइन को देखो कि पहला कहीं पुलिंग तो नहीं आ रहा है, अगर यहां पर भाई होता, मान लो यहां पर भाई होता तो ऑप्शन कौन सा सही हो सकता था, तो यहां पर देखो ये दोनों ही पुलिंग आ रहा है, तो इन्हीं दोनों में आंसर सही होगा ना भाई, भाई तो क्या होगा पुरुष, और इसी दोनों के रिश्ते में पुरुष आ रहा है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में भी पहला, परसेंटेज में पहला क्या है सॉरी, तो एट द रेट में पहला क्या है पति, और एट द रेट में पहला क्या है पति, तो पति पुरुष होगा, तो अब हमारा ऑप्शन ए भी सही नहीं होता, अब हमारा ऑप्शन सी या डी भी कोई सही होता, अगर भाई कहता, बहन कह रहा है तो बहन एक स्त्री होती है, और जिसमें ए स्त्री होगी वही तो बहन होगी, तो इन दोनों में तो ए स्त्री है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि पहला शब्द यहाँ पर एट द रेट के हिसाब से क्या बता रहा है पति, और पति कैसे किसी की बहन हो सकती है, तो ये दोनों गलत हो गए, सी और डी एलिमिनेट हो गया। कोई एक ऑप्शन चेक कर लो, अगर वो ऑप्शन गलत आ रहा है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अपने आप सही हो गया, तो हमने बी चेक किया, बी गलत आ रहा है, और अगर बी गलत आ रहा है इसका मतलब ए ऑप्शन राइट, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया ए ठीक है। तो कोडेड फॉर्म यहां से तुमको समझ में आएगा कि दो के बीच में कोड दे रखा होता है, कोई एक क्वेश्चन पूछता है बच्चे, कोडेड फॉर्म का अगर कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है तो वैसे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसी टाइप की प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं हो रहा है तुमसे तो कमेंट सेक्शन में उसको भेज दो,
मैं उसको लाइव आके आपको सॉल्व कर दूंगा। हालांकि इसमें बहुत टिपिकल जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले फॉर्म की तरफ चलेंगे जिसका क्या नाम है, पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक, चलो चलो। अब देखो, रक्त संबंध में तीन फॉर्म है। तो पहला फॉर्म क्या तुमने पढ़ा, पायरल फॉर्म। ठीक है, तो पहला फॉर्म पायरल फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या पढ़ा तुमने, कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में कोड बनाता है और पायरल फॉर्म में हमें नॉर्मल क्वेश्चन देख रहे। पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब होता है कि कोई किसी की तरफ इशारा करेगा या इंगित करेगा। ठीक, बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का बहुत बहुत ज्यादा गलत होता है, लेकिन जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे तुम फॉलो करोगे तो इस क्वेश्चन की गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0% होगी। देखो, इस क्वेश्चन को एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति कहता है एक महिला को। वह मतलब क्या है कि महिला, यानी वो महिला जिसकी वो बात कर रहे हैं। अगर कहेगा एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, तो इसका मतलब वो पुरुष के बारे में बता रही है। जिसकी बात होगी उसी के बारे में बताया जाएगा। वह से मत देखो, मेरे, यहां से पढ़ो, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है। ये पूरा पढ़ना है ये, ठीक है। और एक एक का फिगर बनाते जाओ, मेरे। तो सबसे पहले इसको नाम दे दो, फर्स्ट लिख दो और मेरे, ठीक है। ये वो आदमी हो गया, ठीक है, यानी वो आदमी हो गया जिसकी बात कर रहा है, पुत्र। तो मेरे पुत्र, दूसरे नंबर पर पुत्र आ गया। के दादा, यानी के दादा। तो तीसरे नंबर पर कौन आ गया, दादा, यानी पुत्र के दादा, यानी मेरे पिता ऊपर ही होंगे। उसके बाद कह रहा की पत्नी, तो दादा की पत्नी चौथा, ठीक है। कि इकलौती पुत्र वधु, तो इकलौती पुत्र वधु, तो इकलौती पुत्र वधु यहाँ पर होगी, ठीक है। और पुत्र वधु है तो ये मेरी क्या हो गई, वाइफ हो गई, ठीक है, चौथे नंबर पर। ये वो महिला की बात कर रहा है। फिर से देख लो बहुत आसानी से, इस किसी भी क्वेश्चन का सेकंड सेंटेंस दे सकते हो। सबसे क्या बोला, मेरे, तो मेरे का बना लिया एम वन, ठीक। उसके बाद कह रहा पुत्र, तो पुत्र बना लिया, तो पुत्र। अब ये जो एम वन है इसका पुत्र नीचे ही तो होगा, तो पुत्र हो गया दो। के दादा, तो पुत्र के दादा कहाँ होंगे, दो स्टेप ऊपर, तो के दादा, यानी ये तीसरे नंबर पर आ गया। की पत्नी, तो ये चौथे नंबर पर आ गया, दादा की पत्नी, ठीक। की इकलौती पुत्र वधु, यानी दादा की पुत्र वधु, यानी इनकी पुत्र वधु, तीन की पुत्र वधु कहाँ होगी, नीचे ही तो होगी। और पुत्र की क्या होगी, वाइफ, यानी ये वो आदमी है और ये वो महिला है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो उसकी कौन क्या लगती है, पत्नी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पत्नी हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार फिर से देखो, कह रहा है एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए कि व्यक्ति कहता है, क्या कहता है, वाह, वाह मत पढ़ो, मेरे। अब एम इसका फिगर बनाया, जब इसका फिगर बनाया तो ये आदमी है, और आदमी है तो एम वन लिख दो। पुत्र, तो दूसरे नंबर पर इसका पुत्र, तो पुत्र लिख दिया। फिर तीसरे पर क्या कह रहा है, कि दादा, तो दादा इसके दादा, इसके इसके ऊपर दादा हो गया। की पत्नी, तो उनकी पत्नी। की इकलौती पुत्र वधु, तो इनकी पुत्र वधु कौन होगी, नीचे ही तो होगी। और इनकी पुत्र वधु कौन, पुत्र वधु कौन होगी, इस पुत्र की औरत, तभी तो पुत्र वधु होगी, तो पुत्र की औरत। और ये कौन है, वो आदमी, ठीक है। और ये कौन है, वो महिला। जो चौथे नंबर पर आएगा वो हमेशा उसी के बारे में होगा जो महिला होगी। अगर एक महिला के सास की ओर कहता, ठीक है, तो यहाँ क्या क्या होता, महिला की सास। जो भी कहेगा, यहाँ जो भी शब्द लिखा होगा अंत में वही लिखना है हमको। चार होता तो चार है, तो अंत में चार महिला हो गया। अगर पांच अंत में आता तो पांचवें नंबर पर महिला करते हैं, छह अंत में आता तो छठवें नंबर पर महिला करते। अंत में कौन रखना है, जो शुरू में कहा गया है। तो अंत में हमने किसको रखा, महिला को। और ये कौन से नंबर पर आई, चौथे नंबर पर। तो इस इंसान की महिला कौन लगती है, पत्नी। यही तो कह रहा है, महिला इससे किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है, पत्नी। प्यारे बच्चों, अभी आपका यूपीपी का एग्जाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं कराई है। मैं बस आपको अप्रोच बता दिया हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो रक्त संबंध में पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म में लगभग मैंने इतना अप्रोच आपको बताया कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो अप्रोच आपको पता है, तो थोड़ा सा हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन उस क्वेश्चन को आप डिक्टो सही आंसर दे करके सॉल्व कर सकते हो। गलती हमेशा क्या होता है कि देखो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो हमेशा इंसान गलत उत्तर देता है, वो व्यक्ति का संबंध बताने लगता है। ऐसा कहीं नहीं है, वो तो कह रहा है महिला का क्या संबंध है, तो यानी महिला क्या लगती है, तो महिला क्या लगती है, पत्नी लगती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो पूरा फिगर बनने के बाद भी गलत उत्तर आते हैं बच्चों के। तो बच्चों करना क्या है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। अच्छा,
सबसे अच्छी रीजनिंग की किताब क्या है? तो भारत में ऐसी कोई किताब नहीं है जो सबसे अच्छी हो, चाहे वो SSC की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो PO की हो, किसी बैंक PO की हो, क्लर्क की हो, कोई भी किताब अच्छी नहीं है। तो कौन सी किताब अच्छी है? केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पेपर हैं, बैंक PO की तैयारी कर रहे हो तो बैंक PO का 10 साल का पेपर, UPP की तैयारी कर रहे हो तो UPP का 10 साल का पेपर, बस 10 साल का प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का पेपर लगाओ और उसमें जो भी जितने भी रक्त संबंध है उनको आप टिक कर लो। रक्त संबंध के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, देखो पॉइंटिंग फॉर्म है, पजल फॉर्म है या फिर कोडेड फॉर्म है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टिक करो। टिक करने के बाद उनको एज इट इज सॉल्व करो। अगर ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्व तुम नहीं कर पा रहे हो तो उसको कमेंट सेक्शन में तुम भेजो और हम उसका PDF आपको भेज देंगे। अगर ऐसा तुमको लगता है कि उसका PDF में आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम उसका लाइव लेकर के आपको सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब है कि रक्त संबंध का जो भी प्रीवियस ईयर का हुआ क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि तुम बुक ना लगाओ, अगर तुम्हें टाइम मिलता है प्रीवियस ईयर के बाद तो आप बुक भी लगा सकते हो। बुक का कोई भी क्वेश्चन हो अगर तुमको नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि रक्त संबंध चैप्टर जो बहुत एक भारी भरकम के रूप में बच्चे लेते हैं और इससे क्वेश्चन गलत बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एक आसान चैप्टर है, अगर सही अप्रोच हो तो हम इसे बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म के हर वो क्वेश्चन तुमसे होंगे, अगर तुम एज इट इज जैसे मैंने बताया, चाहे वो पजल फॉर्म हो, चाहे वो पॉइंटिंग फॉर्म हो और चाहे वो कोडेड फॉर्म हो, वो हो जाएंगे। अच्छा एक बात और प्यारे बच्चों, कि पूरे रीजनिंग का कंटेंट पहले दिन मैंने आपको लिखवाया था, अभी हमारी मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं तो अभी सर्कल अपलोड किया गया है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए हमने केवल यही सोच रखी है कि आप बैग खरीद करके तो ले आओगे लेकिन उस बैग में कॉपी लेकर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने जाना नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके घर पे चल के आएगी यूट्यूब के माध्यम से, बस यूट्यूब डाला, जियो का सिम जानते ही हो, बस यूट्यूब पे खोलो प्रतिभा निर्माण एकेडमी और रीजनिंग का पूरा सेट आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स का पूरा सेट और हिंदी का पूरा सेट, तो मैथ का भी पूरा सेट अभी अपलोड हो रहा है तो आप मैथ का सारा वीडियो देखो, ठीक है। जैसे जैसे चल रहा है देखो टाइम लगेगा, अभी दो चैप्टर हुआ, पहला चैप्टर डायरेक्शन हुआ, दूसरा चैप्टर ब्लड रिलेशनशिप हुआ, टाइम लगेगा, एक लंबा कंटेंट है, 18-19 चैप्टर है तो टाइम लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 महीना केवल आप हमें दे करके देखो, अगले 6 महीने बाद आप इंस्पेक्टर रहोगे, ठीक है। तो वो बिलीव तभी होगा जब आपसे क्वेश्चंस होंगे, तो घर पे जाओ और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में भेजो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि रक्त संबंध समझ में आया होगा और एक सही युद्ध नीति से युद्ध करना ही विजय का और अग्रसर करता है, तो युद्ध नीति बनाओ, सही युद्ध नीति बनाओ, कहने का मतलब है कि सही तरीका स्ट्रेटजिक वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ स्ट्रेटजिक वर्क करना है कि रक्त संबंध कैसे करना है। तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन सारे को एक तरफ कलेक्ट कर लो और उनको लगाओ, तुमको खुद ही कुछ दिन बाद दिखने लगेगा तो उनसे ये चैप्टर जो बहुत टिपिकल लगता था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।